शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में आज एक तीमारदार अपने मरीज को गोद में उठाकर ओपीडी तक लेकर गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है, जिसमें अस्पताल के मेन गेट पर मरीज का वाहन रोक लिया गया और गेट से तीमारदार अपने मरीज को गोद में लेकर ओपीडी तक ले गया। बाहर गेट पे उसके टेम्पो को रोक दिया गया और जो मरीज था वो अपने जो उसका तीमारदार था वो मरीज को अपने साथ में लेके यहाँ पे पैदल लेके आया। कोई भी ट्रॉली या कोई व्हील चेयर वहाँ पे उपलब्ध नहीं थी। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो हो सकता है ट्रॉली या व्हील चेयर कहीं बिजी हो ट्रॉमा सेंटर में। अगर ऐसा है तो मैं कोशिश करूंगी कि वहां पे हमेशा 24/7 दो तीन ट्रॉलियां वहां पे रहें, व्हील चेयर भी रहें, और तुरंत फोन करके हेल्प डेस्क, जैसे वहां पे बनाया गया है अभी परमानेंट हेल्प डेस्क बनाया गया है, तो वहां से जो अगर आता है कोई मरीज तो हमारा वार्ड बॉय है उसको कॉल किया जाए कि आप मरीज को लेके ट्रॉमा सेंटर में जाइए। जबकि अगर ट्रॉली जो है वहां पे खाली खड़ी थी तब भी मतलब उसको मरीज को जो गोदी में ले जाने दिया गया? ठीक है, मैं इसकी भी इंक्वायरी करूंगी कि ऐसा क्यों किया गया है। ठीक है, अगर ऐसा किया है तो हम उनसे पूछेंगे कि ऐसा नहीं, अगर और आगे भी ऐसा ना हो कि मरीज जो है मरीज का अटेंडेंट गोदी में लेके जा रहे हैं मरीज को, बिल्कुल गलत बात है। ट्रॉली और व्हील चेयर अवेलेबल होनी चाहिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा आगे ना हो। अगर ऐसा हुआ है तो हम उस पर इंक्वायरी भी करेंगे, जो वहां पे वार्ड बॉय था ऐसा उसने क्यों किया, वो खुद क्यों नहीं आया ट्रॉली लेके, पेशेंट को शिफ्ट क्यों नहीं कराया उसने ट्रॉमा सेंटर। थैंक यू।